प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। पूरी दुनिया में जिस चीज़ का जिक्र सबसे ज़्यादा हो रहा है फिलहाल, वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से अभी तक पूरे विश्व में 5,500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 1,49,000 लोग इससे संक्रमित हैं। भारत में भी 2 मौतें हो चुकी हैं और करीब 80 से ज़्यादा लोग जो हैं इसकी चपेट में आ चुके हैं। बिहार में भी इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी पॉजिटिव केस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिहार में कोरोना वायरस जो कि विश्वव्यापी महामारी तब घोषित हो चुकी है, उसको लेकर बिहार में 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल जो हैं वो बंद हो चुके हैं। सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक लोगों से ये अपील की गई है कि वो सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकले, ताकि वो सुरक्षित रहें। इससे ये तो पता चल रहा है कि सरकार इस विश्वव्यापी महामारी को लेकर चिंतित है, लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि उससे ये पता चल रहा है कि बिहार के लोग ही इस महामारी को लेकर चिंतित नहीं हैं। गूगल ट्रेंड्स पर जो रुझान आए हैं वो हम आपको बताते हैं। गूगल रुझानों के अनुसार मानकों की गणना जो है वो 0 से 100 के पैमाने पर की जाती है, जहाँ जो 100 है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, मतलब किसी जगह पर 100 अंक अगर किसी जगह को मिले हैं, मतलब वहाँ पर ये शब्द सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है, और अगर 0 मिले हैं वहाँ पर सबसे कम सर्च किया है। तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 दिनों में बिहार में गूगल सर्च में कोरोना वायरस शब्द जो है वो अन्य राज्यों की तुलना में सिर्फ 13 अंकों के साथ है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन अंग्रेज़ी में ये सर्च किया गया था ये शब्द। जब हमने हिंदी में इस शब्द को बिहार रीजन में सर्च के डेटा निकाला तो हमें पता चला ये स्कोर जो है वो 55 के आसपास है, लेकिन फिर भी ये स्कोर काफ़ी कम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हिंदी में कोरोना वायरस जो शब्द है वो 90 के स्कोर के साथ सर्च किया गया है। हालांकि अगर हम बिहार के साथ अन्य राज्यों की तुलना करें तो ये थोड़ा ठीक ठाक है। जैसे ये हरियाणा में ये सर्च में 31 है, हिमाचल प्रदेश में 52 है, झारखंड में इसका स्कोर 47 है और दिल्ली में 34 है। लेकिन बिहार के लोगों को शायद थोड़ा और सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में स्थिति ज़्यादा ख़राब हो सकती है। हम इंडिया टुडे की एक और सर्वे के अनुसार आपको बता रहे हैं कि बिहार में प्रत्येक 9,000 लोगों के लिए सार्वजनिक अस्पतालों में केवल एक ही बिस्तर उपलब्ध है। अगर हम ये राष्ट्रीय औसत पर जाएँ तो 1600 लोगों पर प्रति एक बिस्तर है। इस हिसाब से बिहार में स्थिति बहुत ख़राब है, और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो ये हालत और बदतर हो जाती है। ऐसे में बिहार के लोगों को और सचेत होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, और कोरोना का जो बचाव है वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। आप हाथ को पानी या साबुन से हर 20 मिनट पर धोएं, बिना हाथों को धोएं आँख नाक मुँह ना छुएं, जो बीमार हैं उनके संपर्क में ना रहें, उनसे उचित दूरी बनाए रखें, अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें, बाहर ना निकलें, बाहर निकलते हुए N95 मास्क वो लगाएं, खांसते या छींकते समय हमेशा अपना मुंह ढकें, घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, खांसी सर्दी जैसी बीमारी पर डॉक्टर की सलाह लें। इन सब तरीक़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये तो रही आपकी, इस तरीके से आप अपने बचाव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर आप घर पर ही रहकर कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस क्या है और इसे मतलब और सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो आप WHO की साइट पर भी जा सकते हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए बिहार तक।